गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, देखो आज हम प्ले विथ वर्ड्स डिस्कशन करेंगे। ए एड और रिमूव ए वोवेल फ्रॉम ईच ऑफ दिस वर्ड्स टू मेक न्यू वर्ड्स, वन हैज बीन डन फॉर यू। देखो तुम्हें यहाँ पे एट वर्ड्स दिया गया है, इसमें से तुम्हें एक वोवेल वर्ड, वोवेल लेटर, तुम्हें वोवेल आता है, वोवेल कौन कौन सा लेटर है, ए ई आई ओ यू, हमारे अल्फाबेट के बीच में से ए ई आई ओ यू है हमारा वोवेल। तो ये जो एट वर्ड्स यहाँ पे दिया गया है, इसमें से तुम्हें एक एक वोवेल वर्ड रिमूव करना है, निकालना है या फिर ऐड करना है। रिमूव करने से या फिर ऐड करने से एक एक अच्छे मीनिंगफुल वर्ड्स होना चाहिए। जैसे कि देखो एक दिया गया है सी ओल्डी कोल्ड, यहाँ पे तुम्हें कुछ एक वोवेल ऐड करना है या फिर रिमूव करना है। देखो यहाँ पे एक ऐड किया, क्या यू ऐड किया, यू सी ओ यू एल डी, एक कूड, एक वर्ड हुआ। तो वैसे ही अभी क्या है, स्टोरी, एस टी ओ आर वाई, स्टोरी का कुछ होगा क्या, उसको रिमूव कर देने से यहाँ पे वोवेल कौन सा है, सिर्फ ओ ही है, तो ओ को निकालने से कुछ होगा नहीं, यहाँ पे कुछ ऐड करने से भी नहीं होगा, तो ये स्टोरी का स्टोरी ही रहेगा। बी एन बैन, बैन पे यहाँ पे क्या एक ऐड करेंगे, ओ, एक रिमूव करेंगे और कुछ और ऐड करेंगे, तो बी ओ एन ई बोन, पेन, पेन को, पेन के यहाँ कौन कौन सा वोवेल है, ए एन आई, ए एन आई है वोवेल, तो तुम्हें एक रिमूव करने से पिन, पी आई एन, ए रिमूव कर दिए तो पी आई एन पिन हुआ। वैसे ही हार्ड का क्या होगा, ईयर, रोड का एक ए को रिमूव किया गया, आर ओ डी रोड, फादर का एक एड किया गया, एफ ई ए टी एच ई आर, एफ ई ए टी एच ई आर, फीदर, फेस्ट का फास्ट, वैसे ही क्या गया। देखो यहाँ पे बी रीराइट द फॉलोइंग फ्रेजेस यूजिंग स्ट्रोफ, तो हैंड ऑफ पीटर, नंबर वन दिया गया है हैंड्स ऑफ पीटर, किसका हैंड, पीटर का हैंड, तो तुम्हें कैसे लिखना है, पीटर्स हैंड। देखो इसको ऊपर में जो एक कोमा है उसको बोला जाता है एपोस्ट्रोफियस, एपोस्ट्रोफी बोलते हैं, और यहाँ पे एस है तो एपोस्ट्रोफियस एस, ठीक है, एपोस्ट्रोफी एस, एपोस्ट्रोफियस, तो इसका मीनिंग क्या है, पीटर का, पीटर का हैंड, यहाँ पे क्या दिया गया, हैंड्स ऑफ पीटर, इसका भी मीनिंग है कि पीटर का हैंड, और इसका भी मीनिंग है पीटर का हैंड। तुम्हें लिखना है, तुम्हें जानना है कि एपोस्ट्रोफियस एस का मतलब जानना है। अभी देखो एग्जाम्स ऑफ स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, स्टूडेंट्स का एग्जाम चल रहा है कि नहीं, तो स्टूडेंट एपोस्ट्रोफियस एस एग्जाम, मतलब बच्चों का एग्जाम चल रहा है, स्टूडेंट्स का एग्जाम चल रहा है। वैसे नंबर थ्री सीट फॉर लेडीज, क्या होगा, लेडीज सीट, मतलब महिलाओं का सीट है ये। नंबर फोर रूम्स फॉर चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेंस रूम, बच्चों का कमरा। क्लॉथ फॉर ओमेन, ओमेन्स क्लॉथ। नंबर सिक्स बुक्स फॉर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स बुक, वैसे करके ही तुम्हें सारा लिखना है। करेंगे देखो सी, सर्किल सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन टू कंफर्ट द सिमिलेंस। देखो यहाँ पे नंबर वन दिया गया है एस ब्लैक एस, तुम्हें जो भी एक ब्लास, एक ब्लैक एस क्या है, वहाँ पे तुम्हें सर्किल करना है जो सही है। देखो एक ब्लैक एस सूस होगा, कोल एंड डार्क, कोल होता है ब्लैक, तो तुम्हें एस ब्लैक एस कोल, कोल में तुम्हें सर्किल करना है। नंबर टू एस प्रीटी एच ए, पेंटिंग, पोर्ट्रेट, पिक्चर, ए प्रीटी एच ए पिक्चर, एच ड्राई एच ए बोन, तो ड्राई एच ए क्या होगा, शर्ट, ए ड्राई एच ए शर्ट। नंबर फोर एच स्मूथ एच ए सोप, सनशाइन, सिल्क, सिल्क, ए स्मूथ एच ए सिल्क। नंबर फाइव एच थ्री एच ए क्या,
बैट, ट्री या फिर ब्रिक्स। एस कौन सा चीज मोटा होता है? एस थी कैचे ब्रिक। अभी करेंगे देखो लिसनिंग स्किल्स। तो तुम्हें यहाँ पे करना है कि कौन सा करेक्ट पहले है और कौन सा करेक्ट उसके बाद है। तुम्हें यहाँ पे सीरियली लिखना है। देखो यहाँ पे तुम्हें 9 सेंटेंस दिया गया है। कौन सा सीन पहले हुआ है वहाँ पे तुम्हें 1, जो उसके बाद हुआ है वहाँ पे तुम्हें 2, वैसे करके तुम्हें नंबरिंग करना है। ठीक है, अभी करेंगे लर्निंग लैंग्वेज। देयर आर 4 जेंडर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में कितना जेंडर्स होता है?